हेलो एवरीवन, मैं हूँ शशि। आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं भिंडी बना रही हूँ बेसन के साथ। तो आज की जो वीडियो है इसे हम शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे सरसों का ऑयल डाला है और साथ में जो बेसन ले रखा था उसे हम तवे के ऊपर थोड़ा रोस्ट करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी हट जाए और ये थोड़ा कुक भी हो जाए। तो इसे हम हिलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। इधर मैंने तेल में डाल दिया है प्याज। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे और साथ में इसमें हम अब डाल देंगे टमाटर। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज के साथ और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे जल्दी से गल जाए। तो अब हम चेक कर लेते हैं टमाटर को। अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर हमारे काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। धनिया पाउडर, गरम मसाला और मिक्स मसाला, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पे जो मसाला है हमारा वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम भिंडी डाल देंगे। भिंडी को आप पहले थोड़ा बॉईल भी कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा लेंगे और भिंडी को हम बार बार हिलाते रहेंगे बीच बीच में। भिंडी की सब्जी हमें सूखी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसमें मैं एक दाना प्याज का डाल रही हूँ कट करके और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर हम इसे बिना बेसन के ही कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल देती हूँ बेसन जो मैंने रोस्ट किया हुआ था। इससे इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है, रोस्ट किया हुआ बेसन। तो इसे हम डाल देंगे और अच्छे से भिंडी के साथ मिक्स करेंगे। जो भिंडी का चिकनापन रहता है वो भी सारा बेसन सोख लेगा और जो सब्जी है हमारी वो सूखी सूखी बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा लेंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि बेसन कढ़ाई में ना चिपके। तो यहाँ पे हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाएगी, फिर हम सब्जी को सर्व करेंगे। तो यहाँ पे सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसमें हम धनिया डाल देंगे। सब्जी हमारी तैयार हो गई है, इसे आप सर्व करेंगे और उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।